दोस्तों आप देख रहे हैं सुंदर बिहार। देखिए आज हम चारा बनाएंगे सिल्वर मछली के लिए। सिल्वर मछली जो होती है, सिल्वर कार्प मछली होती है, उसके लिए चारा बनाएंगे और ये जो चारा है बिल्कुल आसान है। दोस्तों इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए और इस चारा को आप इस्तेमाल करिए। इस्तेमाल करने के बाद आप खुद इसको याद रखेंगे और बार बार इसको बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं, बिल्कुल आसान चारा। देखिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले सिल्वर मछली को पकड़ने के लिए हम लेंगे आटा। हमारे पास एक कप आटा है लेकिन हम आधा कप इससे डालेंगे आटा। देखिए ये आधा कप आटा है। आधा कप आटा लेने के बाद से हम इसको पहले गूंधेंगे पानी डाल करके। तो हम थोड़ा सा इसमें पानी डालते हैं, पानी डाल करके इसको गूंध लेते हैं। देखिए दोस्तों आप ख्याल कीजिएगा हमेशा कि आपका जो चारा है, जो सिल्वर मछली के लिए चारा बना रहे हैं, उसको ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए, यानी टाइट होना चाहिए। तो देखिए मैं टाइट चारा बना रहा हूँ इसका। और इसमें जो एक ट्रिक है उसको हम अभी इस्तेमाल करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों इस आटा को मैं गूंथ लेता हूँ। देखिए दोस्तों ये आटा जो था, मैं गेहूँ का आटा है, इसको मैं गूंथ चुका हूँ। और देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल टाइट है, ये नरम नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें एक ट्रिक है। देखिए दोस्तों आप जब कहीं सिल्वर मछली का शिकार करना चाहते हैं तो वहाँ देखिएगा, अगर कोई सिल्वर मछली ज़्यादा पकड़ रहा है और आप वहाँ पे खड़े हैं, आपको नहीं मिल रहा है, तो सोचिए उसने कोई ना कोई ट्रिक इस्तेमाल किया है। वही ट्रिक मैं आज आपको बताऊँगा। आप थोड़ा सा देर वॉच करेंगे, देखिए पूछने पर लोग नहीं बताता है, शिकारी लोग। आप थोड़ा देर वॉच करेंगे तो देखेंगे डिब्बा में क्या होता है, कि डिब्बा में कुछ रखा हुआ है और बिल्कुल छिपा करके वो चारा जो है उसके डब्बा के अंदर डालेगा और डालने के बाद से उसको पानी में फेंकेगा। आप वॉच करेंगे तो अंदाज़ा लग जाएगा। तो वो क्या चीज़ है वही मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए पहले मैं इसको चारा का हुक में लगा देता हूँ। लगाने के बाद से मैं बताता हूँ कि किस तरह से। देखिए दोस्तों आप इस चारा को एक हुक में इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप गुच्छा वाला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें भी। आप कभी भी चारा लगाइएगा तो ऐसे गोल बना लीजिएगा, गोल बना करके हल्का सा ऐसे लंबा बना दीजिएगा। लंबा बनाने के बाद से आप इसको कांटा में लगाइएगा। आप एक हुक में, सिंगल हुक है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरह का ट्रिपल हुक है, अगर आपके पास इस तरह का ट्रिपल हुक है तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अगर गुच्छा वाला हुक आपके पास है तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ट्रिपल हुक है। देखिए अगर आप ट्रिपल हुक बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं इस ट्रिपल हुक बनाने का वीडियो जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ट्रिपल हुक बना लेंगे। देखिए ये क्या होता है ना, कि लंबी दूरी तक इसमें डोर बांध देते हैं और लंबी दूरी जो होती है उस तरह से शिकार करेंगे। लंबा डोर इसमें डाल करके आप फेंकेंगे पानी में और शिकार कर सकते हैं। तो आप अगर ट्रिपल हुक में इसको इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ कर सकते हैं, अगर सिंगल हुक में इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सही है, अगर गुच्छा वाला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ वो भी सही है। तो हम यह क्या करेंगे, देखिए ये चारा हमने हुक में लगा दिया। अब क्या होता है, जो ट्रिक है वही बताएंगे। देखिए आपने डक यानी जो बतख होता है, बतख को देखा है आपने, या मुर्गी होती है उसको आपने देखा है। जो आप क्या कीजिएगा, बतख या डक का खून ले लीजिएगा, जो खून होता है मैं यहाँ वीडियो में आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे खून रखा हूँ, ये डक या बतख का खून ये मैं लिया हूँ, यहाँ पे जो मुर्गी का खून है। तो आप क्या करेंगे, मुर्गी या बतख का खून ले लेंगे और इस तरह से चारा आप हुक में लगाएंगे। हुक में लगाने के बाद से इसको ऐसे डुबा देंगे। डुबाने के बाद से आप क्या करेंगे, इसको चारों तरफ से, देखिए थोड़ा जम गया है, इसमें लकड़ी डाल देंगे। लकड़ी डालने के बाद से इसको थोड़ा हिला देंगे। आप देखिए ऐसे छोटा सा लकड़ी रखिएगा, ऐसे चारा में चारा जो है पहले थोड़ा सा हिला करके मिला दीजिएगा, ये जो थक्का पड़ा हुआ है ये टूट जाएगा। ऐसे हिला करके मिलाने के बाद से आप कीजिएगा ऐसे, इस चारा को निकाल करके पानी में डालिएगा। ये सिल्वर कार्प के लिए चारा है दोस्तों, और ये बहुत बेहतरीन चारा है। आप इस तरह से इस्तेमाल करके देखिए दोस्तों, और आप खुद इसको याद रखेंगे। इतना बेहतरीन चारा दोस्तों कि आप बार बार बनाएंगे अगर सिल्वर मछली पकड़ना चाहते हैं। एक चीज़ और इसमें, इस चारे में अगर आप चाहते हैं कि हम कैट फिश पकड़ें
तो आपको थोड़ा इसमें तरीका बदलना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, ये चारा जो मैंने पानी में गूंधा था, आप क्या करेंगे उसमें खून इसमें डाल करके थोड़ा मिक्स करेंगे। पहले सूखा आटा मिक्स करने के बाद से आप क्या करेंगे, गूंधेंगे इसको। गूंधने के बाद आप कैटफिश पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सिल्वर मछली पकड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही आप इस्तेमाल कीजिए, इस तरह से इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करने के बाद से आप दोस्तों कैसा रिजल्ट होता है उसको हमें ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, सुंदर बिहार देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।